हेलो एवरीवन, मेरी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पत्ता गोभी की बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो आपको बेहद पसंद आएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये मैंने 500 ग्राम की पत्ता गोभी ली है और इसका मैं ऊपर वाला जो ये पत्ता है ये उतार देती हूँ। तो हमें इस तरीके से पत्ता गोभी का ऊपर वाला जो ये पत्ता होता है इसको उतार कर अलग कर देना है और इसके डंठल को भी मैं काट कर अलग कर देती हूँ। तो अब मैं पत्ता गोभी को बीच में से काट लेती हूँ। मैंने इसके दो हिस्से कर लिए हैं और अब मैं इसके छोटे छोटे पीस बना लेती हूँ। तो इस तरीके से हमें पत्ता गोभी को बारीक बारीक काट लेना है। तो मैंने इस तरीके से काट लिया है। ये मैंने 3 मीडियम साइज के आलू को भी बारीक काट लिया और ये मैंने 3 हरी मिर्च ली है, इनको मैंने बारीक काट लिया था। मैंने गैस पर कुकर रख दिया है और कुकर में मैंने थोड़ा सा देसी घी डाल दिया है। आप इसमें कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हो जो आप व्रत में खाते हो। घी के गर्म होते ही मैंने इसमें 1 चम्मच जीरा डाल दिया। जीरा हमारा चटक गया है। अब मैं इसमें ये जो हरी मिर्च थी ये डाल देती हूँ। वो हरी मिर्च भी हमारी भुन गई है। अब मैं इसमें आलू डाल दिए। आलू को हम 2-3 मिनट के लिए इनको भून लेंगे जिससे कि हमारे आलू क्रिस्पी हो जाए। और ये इस तरीके से भूनने से जो आलू हैं ये पत्ता गोभी में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आलू को भूनने के बाद मैंने अब इसमें पत्ता गोभी डाल दिया है। पत्ता गोभी को हम इसमें अच्छे से मिला लेंगे। तो पत्ता गोभी को भी हमें थोड़ी देर इसी तरीके से मिलाते हुए चलाते रहना है। अब मैं इसमें सेंधा नमक डालूंगी। मैंने 1 चम्मच इसमें सेंधा नमक डाल दिया है। ये व्रत वाला नमक है। नमक को भी इसमें अच्छे से मिला देंगे। हमें इसमें और कोई मसाले यूज नहीं करने हैं। अगर आप टमाटर खाते हो व्रत में तो आप इसमें टमाटर भी डाल सकते हो। तो मैं कुकर का ढक्कन लगा दिया और इसमें 1 सीटी आने दूंगी। इसमें सीटी आ गई है। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और जो कुकर का प्रेशर है ये मैं निकाल देती हूँ। ये मैंने कुकर का प्रेशर निकाल दिया। तो हमारी पत्ता गोभी झटपट बन के तैयार हो गई है। अब मैं इसमें हरे धनिया की पत्तियाँ डाल देती हूँ और इसको इसमें अच्छे से मिला देती हूँ। तो देखा फ्रेंड्स, कितनी जल्दी हमारी पत्ता गोभी की सब्जी बन के तैयार हो गई है। आप इसको कुट्टू के पराठे के साथ, कुट्टू की पूरी के साथ सर्व कर सकते हो। आप इसको दही के साथ भी ले सकते हो। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और इसमें बहुत ही सारे विटामिन्स भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियो को कमेंट पर कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। अब मिलती हूँ अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।